नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। हुसैनाबाद क्षेत्र में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मुरली पहाड़ी पर 70 फीट स्थित महाकालेश्वर शिवधाम में श्रावण पूर्णिमा पर हजारों महिला पुरुष जल अभिषेक किए तथा मुरली पहाड़ी पर भाई बहन प्रेम स्नेह की डोरी बांधी। मौके पर हुसैनाबाद अनुमंडल पदाधिकारी कुंदन कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनोज कुमार महतो, थाना प्रभारी राजबिहारी लाल ने कहा कि रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है कि बहन अपने भाइयों को राखी बांधकर बहन भाई की कलाई को मजबूत करती है और कहती है कि जब तक भैया धरती पर विराजमान रहेगा मेरी प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने देगा। भाई और बहन का स्नेह जीवनी पर प्रकाश चलती रहेगी। मौके पर उपस्थित महाकालेश्वर शिवधाम के समिति संघ सदस्य पुरोहित त्यागी विनय कुमार सिंह, डॉक्टर रामचंद्र चौधरी, आगा संस्था के अध्यक्ष अखिलेश पासवान, बबलू चौधरी, मनोज कुमार चौधरी, गोपाल पटेल, हुसैनाबाद शिक्षक संघ पारा अध्यक्ष पप्पू पटेल, मुन्ना कुमार देव उर्फ रोशन कुमार, कांग्रेस नगर अध्यक्ष हुसैनाबाद गुड्डू ठाकुर, सुदामा पासवान, राजेंद्र राम, अमित पासवान, विकास पटेल, राहुल कुमार सिंह, रंजन कुमार सिंह, अजीत कुमार ठाकुर, सुदेश्वर प्रसाद गुप्ता, विजय कुमार सिंह, पंकज दीक्षित, अरविंद कुमार शर्मा, अजय शर्मा, शशि रंजन गुप्ता एवं स्वस्थ महाकालेश्वर शिवधाम परिसर के सदस्यगण और पूर्व DSP राम किन्नर सिन्हा, मनोज प्रजापति, दिनेश प्रसाद कश्यप, शशि कुमार, श्याम सुंदर राम, राजेश कुमार सिंह, शिव पूजन चौधरी, कुश कुमार चौधरी, वार्ड पार्षद अर्जुन प्रसाद गुप्ता भी उपस्थित थे। आ रहा है और हम ग्रामीण जनता के सहयोग से आज इस स्थिति में है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक इसको पर्यटक स्थल घोषित हो जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक इसका पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया गया। और मैं मीडिया वालों से खास करके कहूँगा कि इसको पर्यटक स्थल बनाने में आप लोग सहयोग करें ताकि इसका प्रगति हो सके। और जहाँ तक मेला का सवाल है, हम लोग हर साल शिवरात्रि के शुभ अवसर पर मेला लगवाते आ रहे हैं और आज पहली बार श्रावणी मेला का आयोजन किया गया है और इसमें जो त्रुटि हो गई होगी उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं और आप लोग से विनय करते हैं कि आप लोग इसको और आगे बढ़ाएँ। आज दिनांक 26/8/18 को दिन रविवार हम लोग का इस बार फर्स्ट बार श्रावणी मेला पूर्णिमा मेला का हम लोग आयोजन किए और जिस स्थल पे मेला का आयोजन किया गया ये स्थल आज करीब 20-22 सालों से ये स्थल जो है स्थापित है और यहाँ पे इसका कार्य हो रहा है और ऐसे शिवरात्रि में भी यहाँ मेला लगता है। बहुत भव्य मेला लगता है, बहुत बढ़िया मेला लगता है, बहुत ही बढ़िया मेला लगता है। कम से कम हजारों के संख्या में, लाखों के संख्या में लोग पहुँच जाते हैं और ये हुसैनाबाद ही नहीं, हुसैनाबाद हरियरगंज विधानसभा में मैं समझता हूँ कि पहला स्थल है जो इतना सुंदर, इतना खूबसूरत स्थल है। यहाँ पे चारों तरफ से हरियाली नज़र आती है और पूरा जो है हुसैनाबाद यहाँ से दिखता है और यहाँ एक प्राचीन गुफा भी है, छोटा सा एक कोठरी टाइप का है जो ऊपर चोटी पे है। तो हम लोग इस बार जो है श्रावणी मेला, श्रावणी पूर्णिमा मेला का आयोजन किए और आज इस मेला का शुरुआत करते हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और आज के डेट में हम देखते हैं कम से कम बहुत सारे जनता, श्रद्धालु, भाई बहन लोग पहुँचे और इस श्रावण पूर्णिमा मेला का आनंद लिए और बहुत लोगों ने यहाँ आकर भगवान महाकालेश्वर धाम, शिव मंदिर, लंगड़कोट, मुरली पहाड़ी, हुसैनाबाद, जपला पलामू झारखंड में जो स्थापित है यहाँ पे बहुत लोगों ने आकर दर्शन किया और हम सभी कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पूरे श्रद्धालुओं को। और साथ ही साथ यहाँ के बहुत सारे सदस्य भी हैं, जैसे महंत विनय त्यागी जी महाराज जो यहाँ के इस मेला का अध्यक्षता कर रहे हैं और साथ ही साथ गांव के लोगों के, सारे लोगों का सपोर्ट से हम लोग इस बार मेला लगवाएं और सारे लोगों के सहयोग से हम लोग आज इस मेला को सफल किए। इसके लिए हम पूरे श्रद्धालुओं को, पूरे गांव के लोगों को, गार्जियन को और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।